ओम शांति। 14/5/2021 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। प्रश्न: कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर: निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और यह ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे मात पिता बंधु सखा बनते हैं, यह गुह्य गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले हैं, वही यह राज यथार्थ रीति समझेंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, तो कहेंगे बाप दादा आए हैं। वह टीचर भी है। बाप दादा के बगैर तो कुछ बता ना सके। बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि यह नई बात है ना। अज्ञान काले में याद करते हैं सिंगल को, कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, उनके शरीर का नाम जानते हैं। हमारा बाबा हमारी माँ फलानी जगह है, उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्यों ने फिर शॉर्ट में लिख दिया है। मनुष्यों ने जो बनाया है उनमें कुछ ना कुछ रॉन्ग है। भल गायन है, त्वमेव माता श्च पिता, यह एक के लिए ही गाया जाता है, ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता। उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता, ना विष्णु का ना शंकर का। गाते तो हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, तो भी बुद्धि ऊपर में जाएगी। कृष्ण को याद कोई कर ना सके, याद फिर भी निराकार को ही करेंगे, उनकी महिमा है। तो बाप समझाते हैं, यहां जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल पारलौकिक बाप को याद करो। इस समय यह सम्मुख है। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं, तो मात पिता हे भगवान कह याद करते हैं। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते। तोते मिसल ऐसे ही गाते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते, यह तो महाराजा महारानी है, उनका बच्चा ही मात पिता कहेंगे, बंधु नहीं कहेंगे। भक्त लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु यह बुद्धि में नहीं आता कि शिवलिंग होगा, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं। हे भगवान किसने कहा, किसको कहा, कुछ भी पता नहीं है। अगर यह ज्ञान होता मैं आत्मा हूं, उनको बुलाता हूं, तो यह समझे कि वह निराकार परमात्मा है, उनका रूप ही लिंग है। यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं करते। उनसे प्राप्ति क्या होगी, कब होगी, या कुछ भी नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे, अभी तो बाप के बने हो। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। यह ब्रह्मा माँ है, इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं, नहीं। इस समय आकर गोद में लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अब मात पिता कहते हैं तो शिव पिता ठहरा और माता ब्रह्मा ठहरी, उनको कहा जाता है मात पिता। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो, फिर आत्मा को बैठ पहचान देते हैं कि आत्मा क्या है। कहते भी हैं भ्रगुटी के बीच में रहती है, स्टार मिसल है, और कुछ भी नहीं जानते। यह कह ना सके कि आत्मा 84 जन्म भोगती है। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। कोई अडॉप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता है। माता पिता जिससे जन्म लिया उनको भी जानते हैं, फिर जो अडॉप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते। यहां तुम शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घराने में आए हो।
ब्रह्मा तन ने तन से तुमको अडॉप्ट किया, तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए। यह बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती, यह समझाया जाता है, लिखने से कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चे ही जानते हो हम परम पिता परमात्मा की संतान बने हैं। यह हो गई माँ, ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं। इस द्वारा तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ, यह कितनी गुप्त बातें हैं, सिवाय सम्मुख के कोई समझ ना सके। समझेंगे भी वह जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे, देवी कुल में उच्च पद पाने वाले होंगे। नए किसकी बुद्धि में यह बातें बैठेंगी नहीं, ना बुद्धि में बैठेगा ना किसको समझा सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं, जिनकी बुद्धि में बैठता है, गाया जाता है त्वमेव माता च पिता, याद किया जाता है शिव बाबा को। फिर कहते हैं तुम मात पिता, एक बाप फिर मात पिता कैसे, यह बातें और कोई समझा ना सके। जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा है वह मनुष्यों ने कंठ कर लिया, वैसे तुमको भी कहेंगे, तुमको कोई ने बताया तुमने कंठ कर लिया। नए मनुष्य के लिए समझना बड़ा मुश्किल है, यह रहने वाले भी कोई किसको इतना भी नहीं समझा सकते। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा है, वह बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। वर्षा दिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए, अब बाप फिर वर्षा देने आए हैं। यह किसको समझाना कितना सहज है। तो मात पिता किसको कहा जाता है, विचार की बात है ना। ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते फिर माँ भी जरूर चाहिए। तो जो अनन्य बच्ची होती है ड्रामा प्लान अनुसार, उनको जगत अम्बा का टाइटल दिया जाता है। मेल को जगत अम्बा नहीं कह सकते, इनको जगत पिता कहेंगे। इनका प्रजापिता नाम मशहूर है। अच्छा, प्रजा माता कहाँ, तो एडॉप्ट किया जाता है माता को। आदि देव तो हैं, फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता है। जगत अम्बा तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। जगत अम्बा पर कितना मेला लगता है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते हैं। कलकत्ते में काली का मंदिर है, बॉम्बे में भी जगत अम्बा का मंदिर है, शक्ल अलग अलग है। जगत अम्बा है कौन यह कोई नहीं जानते, उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगत अम्बा को भगवती नहीं कह सकते, वह तो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, उनको बाप से ज्ञान मिला है। तुम सब जगत अम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो, तुम्हारा धंधा ही यह हुआ। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा भी तो मनुष्य है, मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकते। मनुष्यों की बुद्धि इतनी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं है। पतित पावन तो एक बाप ही है, वह आते ही है पतितों को पावन बनाने। यह सारी दुनिया तमो प्रधान है, सब पतित है। नई दुनिया पावन, पुरानी दुनिया पतित। पुरानी दुनिया में है नर्कवासी, नई दुनिया में है स्वर्गवासी। बुद्धि भी कहती है सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवताएं होंगे और कोई नहीं थे। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है, नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए, तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए। चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्यवंशी आते हैं, बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, उनके आगे क्या था यह कोई समझ ना सके। तुम बच्चों को बाप ने चक्र का राज समझाया है। द्वापर में है वैश्यवंशी, कलयुग में होते हैं शूद्रवंशी। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण बने हैं, तुमको बाप ने अपना बनाया है, अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं, ना लक्ष्मी नारायण का राज्य है, ना राम राज्य है। अब है कलयुग का अंत, कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। कलयुग में यह पुरानी पतित दुनिया है, महान दुखी हैं, इसलिए देवताओं की जाकर महिमा गाते हैं, माथा टेकते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया, कोई है जो बता सके? कोई के भी ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है कलयुग अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए यह ख्याल आते ही नहीं।
अभी तुमको यह ख्याल आता है। कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते। समझते भी हैं फिर किसको समझा नहीं सकते। यह तो जरूर होगा, सब एक रस तो समझदार बन ना सके। समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। बहुत समझदार तो जाकर राजा रानी बनेंगे। जितना जितना जो जास्ती समझते और समझाते हैं उनका नाम बाला होता है। प्रदर्शनियां होती हैं तो लिखते बाबा फलानी को भेज दो, तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो? बाबा उनकी प्रैक्टिस जास्ती है, हम थोड़े कच्चे हैं। बाबा खुद भी कहते हैं कहां से भी निमंत्रण मिलता है तो लिख कर भेजो, कौन कौन है तो हम देखेंगे किस किस को भेजना चाहिए। सन्यासी भी उस निमंत्रण पर हैं क्या? फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। अच्छा कुमार का है, मनोहर है, गंगे हैं, इसमें से किसी को भेज दो। बच्चे तो ढेर हैं, जगदीश को भेज दो, रमेश को भेज दो। तुम भी समझते हो एक दो से होशियार हैं, जैसे जज मजिस्ट्रेट होते हैं एक दो से होशियार होते हैं। गवर्नमेंट जानती है एक दो से होशियार हैं, तब तो केस एक दो से ऊपर जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाओ फिर उनसे ऊपर। उसने भी जजमेंट ठीक ना दी तो फिर उससे ऊपर जाएंगे। इनके ऊपर तुम रहम करो। अब यह सब बातें यहाँ होती हैं, सतयुग त्रेता में होती नहीं। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है, वहां तो महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं। केस होंगे भी थोड़े, अभी तो तमो प्रधान पतित है ना, तो बादशाह के पास केस जाएगा तो थोड़ी सजा दे देते हैं, कड़ी भूल होगी तो कड़ी सजा देंगे। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर हैं, इतना कारोबार में फर्क है। सतयुग में क्या होता है यह किसको पता नहीं। अब बाप ने समझाया है, कोई से भी पूछो इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो? जैसे बिरला है, बहुत मंदिर बनाते रहते हैं, तो कोई अच्छा बच्चा हो उनकी उनको चिट्ठी लिखे, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, इन्हों को यह राजधानी कैसे मिली? जबकि सतयुग से पहले कलयुग था, कलयुग में तो कुछ है नहीं, देवताओं ने तो कोई से लड़ाई की नहीं होगी। लड़ाई से कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते। विश्व के मालिक जो थे उन्हों के यह लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए हैं। अभी तो है कलयुग, यहाँ लड़ाई चलती है हथियारों की। बाप ने समझाया है, क्रिश्चियन धर्म वाले ही आपस में मिल जाएं, आपस में प्रीत रखें तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। बुद्धि कहती है यह आपस में मिल जाए तो मालिक बन सकते हैं, परंतु सतयुग में किंग क्वीन तो कोई बन ना सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी हम फिर से योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तुम बता सकते हो कल्प पहले भी संगम पर बाप से पद पाया है, 84 जन्म पूरे हुए फिर से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है, यही तुम्हारा धंधा है। वरदान, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती है, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए तीन बातें साथ साथ चाहिए।
पहला रूहानियत, दूसरा रुहाब और तीसरा रहम दिल का गुण। जब यह तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में स्थिति में चेहरे व कर्म में दिखाई दे तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। स्लोगन, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। I'm not afraid.